सबसे पहले तो तुम्हें ये समझना पड़ेगा कि अगर तुम्हारे कंप्यूटर में कोई इन्फॉर्मेशन है तो वो इन्फॉर्मेशन तभी यूज़फुल इन्फॉर्मेशन कहलाएगी अगर वो इन्फॉर्मेशन एक कंप्यूटर से किसी दूसरे कंप्यूटर पे या किसी दूसरे कंप्यूटर से किसी तीसरे कंप्यूटर पे ट्रैवल करेगी। अब तुम्हें मुझे बताओ कि अगर तुम्हारे कंप्यूटर में कोई इन्फॉर्मेशन है तो वो इन्फॉर्मेशन अगर ज़िंदगी भर तुम्हारे ही कंप्यूटर में है तो वो वहाँ पे बस पड़ी है, राइट? वो इन्फॉर्मेशन तो है बट यूजलेस इन्फॉर्मेशन है, क्योंकि ज़िंदगी भर वो एक ही कंप्यूटर में पड़ी है और वहाँ पे पड़ी पड़ी सड़ रही है, राइट? अब मैं तुम लोग को एक छोटी सी स्टोरी सुनाऊंगा। अगर वो स्टोरी तुम्हें पता है ऑलरेडी तो डिस्क्रिप्शन में मैंने टाइम्स टाइम्स दे रखे हैं, यू कैन डू द नीडफुल, राइट? तुम डायरेक्टली स्किप भी कर सकते हो। देखो, अगर तुम्हारे पास कोई इन्फॉर्मेशन है और अगर तुम्हें वो इन्फॉर्मेशन सेंडर, एस मतलब सेंडर होता है, आर मतलब रिसीवर होता है, तो अगर तुम्हें वो जो इन्फॉर्मेशन है एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर पर सेंड करनी है तो सेंड करने से पहले तुम्हारा जो कंप्यूटर है वो उस इन्फॉर्मेशन को विद द हेल्प ऑफ सम टेक्निक एनक्रिप्ट करता है, और एनक्रिप्ट करने के बाद वो इन्फॉर्मेशन बन जाता है एक एनक्रिप्टेड इन्फॉर्मेशन, राइट? एनक्रिप्टेड मैसेज आप ऐसे भी कह सकते हो। अब ये जो एनक्रिप्टेड मैसेज है वो एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर पर ट्रैवल करता है, और मैसेज को एनक्रिप्ट क्यों किया जाता है? ऐसा इसलिए किया जाता है क्योंकि एनक्रिप्ट करने के बाद उस मैसेज को कोई रीड नहीं कर सकता, कोई नॉर्मल इंसान तो रीड नहीं कर सकता, उस मैसेज को एक मशीन ही रीड कर सकता है, राइट? इसीलिए वो जो इन्फॉर्मेशन है उसको एनक्रिप्ट किया जाता है ताकि अगर बीच में से किसी ने उस इन्फॉर्मेशन को उठा लिया तो फिर भी वो इंसान उस इन्फॉर्मेशन को रीड नहीं कर पाएगा, क्योंकि वो एक इनक्रिप्टेड इन्फॉर्मेशन रहेगी, राइट? अब ये जो इनक्रिप्टेड इन्फॉर्मेशन है वो ट्रैवल करेगी फ्रॉम वन पर्सन, आई मीन फ्रॉम द सेंडर टू रिसीवर वाया सम नेटवर्क चैनल, ओके? और रिसीवर तक पहुंच जाएगी। अब जब वो इनक्रिप्टेड इन्फॉर्मेशन रिसीवर तक पहुंच जाएगी तब रिसीवर का कंप्यूटर उस एनक्रिप्टेड इन्फॉर्मेशन को डिक्रिप्ट करेगा, और फिर वो इनक्रिप्टेड इन्फॉर्मेशन एक नॉर्मल इन्फॉर्मेशन में कन्वर्ट हो जाएगी, और फिर वो इन्फॉर्मेशन जो रिसीवर है वो पढ़ सकेगा, ओके? बेसिकली ये कहानी है। तो बेसिकली अब तुम्हें ये चीज़ समझने की ज़रूरत है कि अगर इन्फॉर्मेशन को एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रांसफ़र होना है या ट्रैवल करना है तो उसके लिए ये जो बीच में का नेटवर्क चैनल है ये बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, या बेसिकली ये नेटवर्क चैनल बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और अगर इस नेटवर्क चैनल की कोई वल्नरेबिलिटीज़ है तो ये तो बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा, राइट? अब शायद से तुम ये भी कह सकते हो कि जो इन्फॉर्मेशन हम सेंड कर रहे हैं वो इन्फॉर्मेशन तो हम एनक्रिप्ट करके सेंड कर रहे हैं ना, वो तो एनक्रिप्टेड फॉर्म में है, तो अगर इस नेटवर्क चैनल की कोई वल्नरेबिलिटीज़ भी है और अगर उसके चलते अगर कोई बीच में से उस एनक्रिप्टेड मैसेज को या एनक्रिप्टेड इन्फॉर्मेशन को उठा भी लेता है तो भी वो उसको पढ़ नहीं पाएगा, क्योंकि वो तो एनक्रिप्टेड इन्फॉर्मेशन है, राइट? तो क्या फ़र्क पड़ता है अगर नेटवर्क चैनल की कोई वल्नरेबिलिटीज़ है भी तो? देखो, द थिंग इज कि जैसे कि मैंने तुम लोग को बोला था कि ये जो एनक्रिप्टेड इन्फॉर्मेशन है जब वो वहाँ पे जाएगी तब वो डिक्रिप्ट हो जाएगी, राइट? मतलब उसको डिक्रिप्ट करना भी पॉसिबल है, ओके? अब अगर सपोज इस नेटवर्क चैनल की कोई वल्नरेबिलिटीज़ है और उन वल्नरेबिलिटीज़ के चलते कोई बीच में से उस एनक्रिप्टेड इन्फॉर्मेशन को उठा लेता है तो वो उस एनक्रिप्टेड इन्फॉर्मेशन को डिक्रिप्ट भी कर सकता है। और माना कि ऐसा करना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है बट इट इज़ पॉसिबल, ओके? तो रिस्क नहीं ले सकते, और इसीलिए ये जो बीच में का नेटवर्क चैनल है इस नेटवर्क चैनल को सिक्योर करना या बेसिकली इस नेटवर्क चैनल का सिक्योर होना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और इस पूरे के पूरे सिनेरियो को तुम ऐसे भी समझ सकते हो, अगर तुमने कोई लेटर लिखा और उस लेटर को एनविलप में पैक किया, अब उस एनविलप को तुमने सील कर दिया, अब तुम्हारे घर पे एक पोस्टमैन आया और तुमने उस पोस्टमैन को बोला कि भाई ये एनविलप है, ये सील है और तुम्हें सील्ड एनविलप को इस लोकेशन पे पहुंचाना है, ठीक है? अब अगर वो सील्ड एनविलप देने से पहले मैंने तुम्हें ये बोला कि वो जो पोस्टमैन है वो रिलायबल नहीं है, वो तुम्हारे साथ एक बहुत बड़ा स्कैम कर सकता है, वो फ्रॉड कर सकता है तुम्हारे साथ, अब अगर मैंने तुम लोग को ऐसा बोला तो क्या तुम उस पोस्टमैन के साथ अपना सील एनविलप भी देना चाहोगे? एंड द आंसर इज़ नो। सेम चीज़ यहाँ पे होती है, भले ही तुम्हारा जो इन्फॉर्मेशन है वो एनक्रिप्टेड इन्फॉर्मेशन है बट अगर इस नेटवर्क चैनल पे कोई वल्नरेबिलिटीज़ है तो क्या तुम उस एनक्रिप्टेड इन्फॉर्मेशन को भी इस नेटवर्क चैनल के थ्रू ट्रैवल या ट्रांसफ़र करना चाहोगे? एंड द आंसर इज नो, राइट? इसीलिए इस नेटवर्क चैनल का सिक्योर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब ये जो नेटवर्क चैनल है इसके अंदर OSI मॉडल एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, ठीक है? अब वैसे तो OSI मॉडल के ऊपर हमने एक वीडियो बना दिया है बट बेसिकली ये जो
नेटवर्क चैनल है, यहाँ पे OSI मॉडल एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। अब ये जो OSI मॉडल है उसके 7 लेयर्स होते हैं, और वो 7 लेयर्स ये हैं, और इन 7 लेयर्स की अपनी अपनी कुछ कुछ वल्नरेबिलिटीज होती है। जिन वल्नरेबिलिटीज़ की मैं बात कर रहा था वो वल्नरेबिलिटीज़ इन्हीं लेयर्स की होती है, ठीक है। इसका मतलब ये है कि हर लेयर की अपनी कोई ना कोई वल्नरेबिलिटी होती है, और इसका मतलब ये नहीं है कि हर एक लेयर की एक ही वल्नरेबिलिटी होती है, हर लेयर की मल्टीपल वल्नरेबिलिटीज़ भी हो सकती है। जैसे कि फॉर एग्जांपल एप्लीकेशन लेयर की वल्नरेबिलिटीज़ है DNS स्पूफिंग और SQL इंजेक्शन, सेशन लेयर की वल्नरेबिलिटी है सेशन हाईजैकिंग वगैरह वगैरह वगैरह, नेटवर्क लेयर की वल्नरेबिलिटी है IP स्पूफिंग वगैरह वगैरह वगैरह। इन द सेम वे हर एक लेयर के अपने अपने वल्नरेबिलिटीज़ होती है। तो आगे आने वाले वीडियोस में हम इन सारी की सारी वल्नरेबिलिटीज़ का बहुत अच्छे से अभ्यास करने वाले हैं, उनके बारे में पढ़ने वाले हैं, उनसे कैसे बचते हैं ये भी सीखेंगे। अब मुझे कमेंट सेक्शन में एकदम ऑनेस्टली बताओ कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। अगर अच्छा लगा तो इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, और ये हमारा प्लेलिस्ट है, इस प्लेलिस्ट में आपको इस सब्जेक्ट के सारे वीडियोस मिल जाएंगे। थैंक यू सो मच।